Now question number third. The numbers 13 and 31 are prime numbers. जो 13 और 31 जो हमें दो numbers दिए हुए हैं, ये क्या है? Prime number है. Both these numbers have same digits 1 and 3. ये दोनों ही नंबर जो 13 और 31 है, इन दोनों में सेम डिजिट्स है 1 एंड 3. ये जो है 13 और इसका रिवर्स है 31, दोनों में सेम डिजिट्स है. फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100. अब जैसे ये 13 और 31 है, ये क्या है? पेयर है, मतलब दो नंबर्स है, तो पेयर है और दोनों ही प्राइम नंबर्स है और दोनों में सेम डिजिट यूज किए हैं, तो हमें और ऐसे पेयर्स बताने हैं प्राइम नंबर्स के अप टू 100 तक. सो इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं. So, हम रफ में लिखेंगे जो प्राइम नंबर्स होते हैं. अब इसमें हम 1 to 9 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 to 9 जो होता है सिंगल डिजिट होता है और हमें यहाँ पे जो है 2 digits लेंगे, तो 1 to 9 हम नहीं लिखेंगे प्राइम नंबर्स में जितने भी होते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं 10 से. अब बहुत सारे हैं 10 से लेके 100 तक. तो देखो जो इवन नंबर होते हैं 2 के अलावा वो तो भी प्राइम नंबर होते ही नहीं है, तो हमें इवन नंबर्स भी सारे हटाना है, लेफ्ट करना है. देन जो भी नंबर में 1 पे 5 आता है वो भी प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि अगर उसमें 1 digit पे 5 है तो वो 5 से डिविजिबल होगा. तो हम प्राइम नंबर जब लिखते हैं, 10 है, 10 नहीं होगा प्राइम नंबर, 11 प्राइम नंबर होगा, 12 नहीं होगा, 13 होगा, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 13 और 31 तो है इसमें, 132, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, ये भी नहीं होता, 41 होता है, 43 होता है, 47, 48, 49, 50, 51, 52 भी नहीं होता, 53, 54, 55, 56 भी नहीं होता, 57 भी नहीं होता, 58, 59, ये सारे क्या है? प्राइम नंबर्स. देन 60, 61 भी होता है प्राइम नंबर. ये 62, 63, 64, 65, 66, 67 होता है प्राइम नंबर. देन 68, 69, 70, 71 होता है प्राइम नंबर. ये 71, 72, 73 होता है प्राइम नंबर. 74, 75, 76, 77, 78 ये भी नहीं होता प्राइम नंबर. 79 होता है प्राइम नंबर. 81 भी नहीं होता. 83 होता है प्राइम नंबर. 89 होता है प्राइम नंबर. इसके बाद सीधा 87 होता है प्राइम नंबर. तो अब इसमें देखते हैं कि पेयर कौन कौन से होता है. सो इसमें हमने देखा 31 और 31 तो एक पेयर हो गया. देन अब हम देखते हैं 11 का कोई पेयर नहीं होगा इसमें. 70 का कोई पेयर है? यस, 79, 71. तो फर्स्ट पेयर हमारा क्या हो गया? दूसरा 79, 71. तो नेक्स्ट पेयर हम देखते हैं 19 का 91 है? नहीं है. देन 23 का 32 नहीं होगा क्योंकि फिर 32 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इवन नंबर हो जाएगा. देन डिविजिबल बाय 2 होगा. देन 22 भी नहीं, 29 भी नहीं है. 31 हो गया. 73 है. यस, 73. Now third, 41 भी होगा, 43 भी होगा, 47 भी होगा, 53 भी होगा, 59 भी होगा, 61, 67 भी नहीं होगा, 79, 97 भी हो गया. फिर हमारा 73, 93, 83, ये भी नहीं होगा. सो पेयर्स ऑफ सच प्राइम नंबर्स अप टू 100 कौन कौन से होंगे हमारे? 17 एंड 71, 37 एंड 73, 79, 97. आई होप इट इज क्लियर टू एवरी स्टूडेंट, बट इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 2. अब इस क्वेश्चन में हमें प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर सेपरेटली लिखना है, मतलब अलग अलग लिखना है. लेस देन 20, जो 20 से लेस देन हो, मतलब 20 से कम. सो प्राइम नंबर्स लेस देन 20, प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं लेस देन 20? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, and 19. Now composite numbers less than 20. Composite number means which are more than two factors.
सो वन तो आएगा ही नहीं, देन फोर सिक्स एट नाइन टेन ट्वेल्व फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन एंड एटीन. सो प्राइम नंबर्स आर टू थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन सेवनटीन एंड नाइनटीन लेस देन ट्वेंटी एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन ट्वेंटी आर फोर सिक्स एट नाइन टेन ट्वेल्व फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन एंड एटीन. Now question number 5. What is the greatest prime number between 1 and 10? 1 and 10 के between में के दोनों के बीच में 1 और 10 के बीच में सबसे greatest prime number कौन सा है? तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 1 और 10 के बीच में कौन कौन से prime numbers होते हैं. So prime numbers कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5 and 7. ये सारे prime numbers किसके बीच में होते हैं? 1 to 10 के बीच में. अब सबसे greatest prime number कौन सा है इसमें से? 7. So the greatest prime number between 1 and 10 is 7. Now next question. Question number 6. Express the following as the sum of two odd primes. हमको बताना है जो numbers हमको given है यहाँ पे ये sum है two odd primes का, मतलब इनको अगर हम दो odd prime number को add करें तो हमारे sum 44 आना चाहिए, 36 आना चाहिए, 24 आना चाहिए, 18 आना चाहिए. सो टू और प्राइम्स का मतलब क्या हुआ? हम प्राइम नंबर यूज करेंगे जो ऑड हो, मतलब इवन नहीं होना चाहिए. और हमारे पास एक ही प्राइम नंबर होता है वो होता है टू, तो हम टू को यूज नहीं करेंगे. बाकी सारे जितने भी हमारे प्राइम नंबर होते हैं वो हम यूज कर सकते हैं. सो मैंने साइड में यहाँ पे प्राइम नंबर लिख लिए जिससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो. सो फर्स्ट इज 44. मैं ऐसे कौन से दो और प्राइम नंबर लू जो मेरा सम जो है 44 है? सो मैं टू तो यूज कर नहीं सकती, वो इवन प्राइम नंबर है. सो मैंने देखा 3, मैंने रफ में कर उसको, सो आई गेट 3 प्लस. अब 3 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं कि मेरा सम जो है 44 है? मैंने 44 में से 3 माइनस किया, सो मेरा आंसर आया 41. अभी जो 41 है ये प्राइम नंबर भी है और ऑड नंबर भी है, एंड 41 प्लस 3 इज 44. तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 44 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 41. नाउ नेक्स्ट इज 36. अब 36 को मैंने किया तो यहाँ मैंने लिखा 3 प्लस. अब 36 में से मैंने 3 माइनस किया तो मेरा आंसर क्या है यहाँ पे? 33 प्लस 3 इज 36. बट यहाँ पे जो 33 है ये मेरा प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है. सो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे वर्क नहीं करेगा. अब मैंने लिया नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 5. सो मैंने लिया 5 प्लस. अब मैंने 5 में से कौन सा नंबर ऐड किया जो मेरा आंसर 36 है? तो 36 में से मैंने 5 माइनस किया तो 36 माइनस 5 इज 31. अब यहाँ पे 31 जो है वो ऑड नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, सो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे. सो 36 इज इक्वल टू 5 प्लस 31. 5 प्लस 31. नेक्स्ट इज 24. अब 24 को मैंने क्या लिखा? 3 प्लस 24 माइनस 3 इज 21. बट अगेन ये 21 जो है यहाँ पे कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, तो ये कॉम्बिनेशन हमारा वर्क नहीं करेगा. मेरा दूसरा नंबर कौन सा लिया यहाँ पे? 5 प्लस. सो मैंने 24 में से 5 माइनस करके देखा क्या आया? 19 प्लस 5 इज 24. और यहाँ पे 19 जो है वो प्राइम नंबर भी है और ऑड नंबर भी है, सो 24 इज इक्वल टू 5 प्लस 19. नाउ डी 18 को भी मैंने सिमिलरली ऐसे करके देखा 3 प्लस. अब 18 में से मैंने 3 माइनस किया तो यहाँ आया मेरा 15. अब 15 प्लस 3 तो 18 होता है, बट ये 15 जो है यहाँ पे कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, तो ये कॉम्बिनेशन भी मेरा वर्क नहीं करेगा. सो मैंने नेक्स्ट प्राइम नंबर लिया 5 प्लस. अब 18 में से मैंने 5 माइनस किया तो मेरा आंसर आया 13. एंड 13 प्लस 5 इज 18. तो ये मेरा कॉम्बिनेशन वर्क करेगा कि 13 प्राइम नंबर भी है और ऑड नंबर भी है, सो 5. सो 18 इज इक्वल टू 5 प्लस 13. Now next question. Question number 7. Give 3 pairs of prime numbers whose difference is 2. अब यहाँ पे हमको 3 pairs ऐसे लिखने हैं जिनका difference जो है 2 है, मतलब उन दोनों numbers को minus करने के बाद मेरा answer जो है वो 2 है. जैसे example 5 minus 3. ये 5 और 3 क्या है? ये prime numbers है और इनको minus करा मैंने, इनका difference निकाला तो मेरा answer आ रहा है 2. So मुझे इस type के 3 pairs लिखने हैं यहाँ पे. तो एक पेयर तो मेरा यही हो गया 3 एंड 5.
5 माइनस 3 इज 2। और मैंने यहां पर देखा तो 30 माइनस 11, सो 11 है 30। 30 में से मैंने 10 माइनस किया, मेरा आंसर आया 2। और मैं कौन सा कॉम्बिनेशन ले सकती हूँ, 17 माइनस 13 ये नहीं होगा, 19 माइनस 17, सो 17 है 19 माइनस 17। जो हमने 6th क्वेश्चन किया था इसमें, इसके अलावा जो हमने ये आंसर्स निकाले हैं, इसके अलावा इसके और भी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि हम दो और प्राइम नंबर को ऐड करें और हमारा आंसर ये है। सो इसके अलावा और भी आंसर हो सकते हैं। इसी क्वेश्चन 7th क्वेश्चन में भी ऐसा हो सकता है कि इसके अलावा और भी इसके आंसर हो। ये हमने स्टार्टिंग के प्राइम नंबर से सॉल्व किया है इसको।